एक मिनट अभी मैं फोर्थ मंथ में टर्न कर चुकी थी, अभी मेरा सोना बंद हो चुका था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंखाल। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फोर्थ मंथ प्रेगनेंसी, कैसी रही मेरी फोर्थ मंथ प्रेगनेंसी जर्नी। तो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म कर दिया है और बहुत अच्छे से मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर गया है, मैंने बहुत अच्छे से अपनी केयर की थी। तो फाइनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं फोर्थ मंथ में टर्न कर चुकी हूँ। और फोर्थ मंथ में मुझे क्या दिक्कतें आई क्या नहीं, वो सब आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिस सबने मेरा लास्ट 3 मंथ तक के ब्लॉग देखे थे, मेरे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, तो मेरे को सबने बोला था ये 3 मंथ तक ही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। सब बोलते थे कि ना फर्स्ट 3 मंथ तक ही ऐसा होता है, आगे ये रुक जाएंगी चीज़ें और सब अच्छा जाएगा। तो वैसे तो 4th, 5th और 6th मंथ को प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड बोला जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा 4th मंथ ऐसा कुछ था। 4th मंथ मेरे लिए बहुत मतलब भयंकर वाला निकला है, खूब सारे मेरे मूड स्विंग्स हुए थे, बहुत सारी मेरे प्रॉब्लम्स हुई थी, क्रैम्प्स वगैरह थोड़ा हुआ था। हाँ, एक चीज़ थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं बहुत सोती थी, अभी मेरा सोना बंद हो चुका था क्योंकि अब मुझे नींद नहीं आती थी जितनी मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती थी। तो 4th मंथ में मुझे नींद नहीं आई। 4th मंथ में हमेशा मैं हनी को ऐसे देखने को मिली होंगी। मैं जल्दी से मैं ऐसे नहीं रखती, लेकिन 4th मंथ में मुझे ऐसे रहना पड़ा क्योंकि 4th मंथ में मुझे इतना हेडेक होता था, बहुत ज़्यादा हेडेक होता था। और पता है ऐसे हेडेक भी कैसे, कि यही नहीं पता चलता था कि कभी शुरू हो जाए। अभी मैं अगर मैं ऐसे देख रही हूँ अपने हाथ को और एक पता नहीं मैं ऊपर आँख भी कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, इतनी जल्दी मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता था। तो बहुत बुरा हेडेक होता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि 5 मिनट तक कंटिन्यू रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर 10 मिनट बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। पूरा 4th मंथ ऐसे ही सर दर्द में निकाला, मुझे लगा था कोई बीमारी हो रही है मुझे सर दर्द की। लेकिन फिर मैंने गूगल किया तो वहाँ पे मुझे देखने को मिला कि एक प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं पता नहीं, दांतों के नीचे जो मसूड़े होते हैं उनमें मुझे बहुत स्वेलिंग आ गई थी, ठीक है। मैंने बहुत स्वेलिंग आ गई थी मेरे दांत, मैंने एक जाड़ निकलवाई थी, जो अक्कल जाड़ होती है वो मैंने निकलवाई थी, तो उसमें मेरा दर्द होता था। तो मैंने सोचा उसकी वजह से शायद इधर इन्फेक्शन फैला होगा, उसमें दर्द होता है। लेकिन फिर मैंने गूगल किया, वहाँ गूगल पे गई मैं, गूगल पे मैंने R&D किया और वहाँ पे भी ये दिखाया कि ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है। तो मतलब प्रेगनेंसी में आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिम्टम आ सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में, क्योंकि मेरा हेयर लॉस नहीं हो रहा बिल्कुल, इतना अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, एक भी बाल नहीं टूटता, ना वॉश करते टाइम ना कॉम करते टाइम, तो बहुत अच्छा है। कहीं कहीं चीज़ें आपके साथ अच्छी भी होती हैं, कहीं कहीं आपके साथ बुरी भी होती हैं। लेकिन फिर भी मैं डेंटिस्ट के पास गई, मैंने डेंटिस्ट को दिखाया कि भाई यहाँ पे स्वेलिंग है नीचे, पूरा रेड हो जाता था, खाना भी नहीं खाया जाता था। तो डेंटिस्ट तो फिर वो तो अपने लेवल पे चेक करते, वो प्रेगनेंसी को लेकर नहीं चलते। उन्होंने बोला नहीं ये तो बीमारी है आपको, इसके लिए तो आपको ये पता नहीं दांत निकलवाने पड़ेंगे, पिन लगवानी पड़ेगी, उसने कुछ कुछ बताया। लेकिन मैं ऑलरेडी R&D कर चुकी थी तो मैंने वेट किया, मैंने सोचा देखती हूँ थोड़ा सा पहले, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन है ही वो प्रेगनेंसी के बाद जो करवाना है, क्योंकि मैं पेन किलर खा नहीं सकती थी उस टाइम पे। तो मैंने उसका वेट किया, फिर वो अपने आप ठीक हो गया, 10 दिन बाद फिर आ रहा है, फिर अपने आप ठीक हो रहा है, इस तरह से मतलब दांतों की प्रॉब्लम भी चलती रही। उसके अलावा मुझे ऐसी कोई स्पेशल मतलब वो नहीं आई। हाँ, यूरिन पास करना ये सब तो चलता ही है प्रेगनेंसी में, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। और फिर जब मुझे सर दर्द होता था तो मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था ये सिम्टम्स है प्रेगनेंसी के, और मुझे गोली भी नहीं मिलेगी अगर मैं किसी के पास जाऊंगी तो मुझे मेडिसिन भी नहीं मिलेगी। हम मेरे यहीं पे नज़दीक मेरे मतलब पर्सनल मेडिकल स्टोर वाले भैया हैं, जिससे मैंने पूछा कि भैया मुझे सर दर्द होता है, कोई गोली दे सकते हो क्या।
अगर उनके मतलब वो बता देते हैं कि आप लोगे, हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, आपकी डॉक्टर दे सकती है नहीं दे सकती, उन्होंने साफ मना कर दिया कि देखो मैं कोई मेडिसिन नहीं दे सकता आपको और ना ही इस चीज़ के लिए आपको कोई डॉक्टर देगी, लेकिन स्टिल मैं अभी आपको एडवांस क्रोशिन दे रहा हूँ, आपकी डॉक्टर भी यही देगी, अगर आपको लगता है कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो ही आप एडवांस क्रोशिन खाना, अदरवाइज इसको भी इग्नोर करना। गोलियों से तो मैं वैसे ही डरती हूँ, तो मैंने शायद एक ही दो बार खाई होगी लेकिन मुझे उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। तो कोई भी ले गोली अपने डॉक्टर से पूछ के ही ले, बिना पूछे एक मेडिसिन नहीं लेनी है डॉक्टर से। तो मुझे फिर मैंने जब मैं अपनी गायनों के पास गई तो उन्होंने भी मुझे एडवांस क्रोशिन दिया, मैंने उनको बोला इससे कुछ नहीं होता, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जब फिफ्थ में टर्न कर जाओगे तो मे बी ये ठीक हो जाएगा। तो फाइनली मतलब फोर्थ मंथ में रहा है और फोर्थ मंथ में मैंने बहुत ऑयली खाया, बहुत स्पाइसी खाया, मतलब जो गंदी गंदी चीज़ें होती है ना वो वाली मैंने खाई, क्योंकि क्रेविंग्स थी उस टाइम पे, ठीक है। और जब क्रेविंग्स होती है तो रुका नहीं जाता, जो मन कर रहा है बस खा ले खा ले खा ले। बस कुछ इस तरह से रहा था मेरा फोर्थ मंथ, जिसको मैं अच्छा भी नहीं बोल सकती और हद से ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जो फोर्थ मंथ है जिसमें से सबसे बुरा फोर्थ ही गया था, फर्स्ट थ्री में से, फर्स्ट थ्री ऑल ओवर गुड थे लेकिन फोर्थ थोड़ा सा डिफिकल्ट गया था मेरा, तो मैं उसको हनीमून पीरियड का नाम नहीं दे सकती, बस ख़राब था तो ख़राब था। बस गाइज यही थी मेरी फोर्थ मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कुछ मतलब अब नॉर्मल हुआ हो, जो कुछ आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइज़।